बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान लंबे समय से गुमनाम चल रहे थे। कभी बेहद खूबसूरत और फिट दिखने वाले फरदीन को मोटापे ने घेर लिया था। लाइमलाइट से गायब फरदीन मुंबई छोड़ लंदन रहने चले गए थे, लेकिन एक बार फिर वो एक्शन में है। 10 साल बाद उन्हें बॉलीवुड में काम मिला है। फरदीन खान आखिरी बार साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म दूल्हा मिल गया में नजर आए थे। खबर है कि दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की अगली फिल्म में वो लीड एक्टर हो सकते हैं। मुकेश छाबड़ा ने इस बारे में इशारा किया है। एक इंटरव्यू में मुकेश ने कहा है, हम संभावनाएं को तलाश रहे हैं, उन्होंने वापसी कर ली है, काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं, वो कमबैक करना चाहते हैं। बता दे, 2 दिन पहले फरदीन खान मुकेश छाबड़ा के दफ्तर के बाहर नजर आए थे। वो काफी फिट हो गए हैं, ब्लैक पैंट और ग्रे टी शर्ट में फरदीन बिल्कुल हैंडसम लग रहे थे। फरदीन का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। फरदीन के इस फिट बॉडी वाली लुक की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं उनके फैंस भी इस बात से खुश हैं, वो कमबैक कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से फरदीन की जो भी तस्वीरें मीडिया में आई उनमें वो काफी ओवरवेट दिखे थे। कई बार उनको ट्रोल भी किया गया था। फरदीन को देखकर ऐसा लगने लगा था मानो ग्लैमर की दुनिया से उन्होंने नाता तोड़ लिया हो। बॉलीवुड में मिली असफलता ने शायद उन्हें निराश कर दिया था। आपको बता दें, फरदीन खान को कभी चॉकलेटी बॉय कहा जाता था। 8 मार्च 1974 को जन्मे फरदीन खान मशहूर एक्टर फिरोज खान के बेटे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म प्रेम अगन से की थी। पहले ही फिल्म के लिए फरदीन को फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड दिया गया और उनकी एक्टिंग को भी काफी सराहा गया था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में की, जिनमें जंगल, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, प्यार तूने क्या किया, भूत, नो एंट्री, जानशीन, हे बेबी, ऑल द बेस्ट, ओम जय जगदीश शामिल है। फरदीन को बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो वो पाना चाहते थे, लेकिन हाँ, उनके स्मार्ट लुक्स पर कई लड़कियां फिदा थी। बताया जाता है कि फरदीन का एक्ट्रेस सेलिना जेटली के साथ अफेयर रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि फरदीन करीना कपूर को भी डेट कर चुके हैं। साल 2005 में फरदीन ने एक्ट्रेस मुमताज की बेटी नताशा माधवनी से शादी कर ली। फरदीन अब 2 बच्चों के पिता भी हैं। फरदीन खान का नाम ड्रग्स से भी जुड़ा था। साल 2001 में ड्रग्स का सेवन और इसे खरीदने के जुर्म में वो सलाखों के पीछे भी गए थे। इस घटना से उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचा था। फरदीन ने कभी बॉलीवुड में सोलो हिट नहीं दी। उनके पिता फिरोज खान ने उनके लिए प्रेम अगन और जानशीन जैसी फिल्में बनाई, लेकिन कभी वो सुपरहिट खान लॉबी में शामिल नहीं हो सके। फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर वो पिछले सालों से लंदन में रह रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो मुंबई आते जाते रहते हैं। बॉलीवुड में नाकामी के बाद वो दूसरी पारी खेलना चाहते हैं। फिटनेस के मामले में उन्होंने मैदान मार दिया है। अब इंतजार है दोबारा बिग स्क्रीन पर वापसी का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।